ओम शांति, ओम शांति, मुस्कुरा के बोलो ओम शांति। वास्तव में तो परमात्मा है जो विशेषता देने वाला है। बहुत सुंदर जगह हम बैठे हैं जहाँ पर यज्ञ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यज्ञशाला, यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, बहुत सारी भभूति तैयारियाँ, तिल जौ जो भी तैयारी हम सब करते हैं वो डालते हैं। लेकिन वास्तव में प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा कहता है ये सब तो करना ही है, लेकिन साथ में किस चीज़ की आहुति डालनी है, जो चीज़ हमें दुख दे रही है, जो हमें परेशान कर रही है। कितना अच्छा काम यहाँ होता है कि हम रोज़ परमात्मा के नाम पर आहुति करते हैं और निराकार परम पिता परमात्मा की आराधना करते हैं, और उस आराधना में अगर हम एक काम और करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हुई है, अभी क्या करना है, दिल से इस यज्ञ में उन बुराइयों को स्वाहा करना। ठीक है, वास्तव में तो यही करना था, भगवान ने तो यही बोला था कि इन चीजों को मुझे दे दो। अब क्योंकि वो निराकार है, बोल तो सकता नहीं है, वो किसी और के द्वारा इन चीज़ों को कहलवाता है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, लेकिन हमें ऊपर से महसूसता देता है, ऐसा करो। उस परमात्मा ने हमें ऊपर से महसूसता दी कि हे मानव, अपना मैंपन मुझे दे दो। हम समझ नहीं पाए और हमने सोचा परमात्मा मैं क्या मांग रहा है, हमने मैं करने वाले बकरे की बलि चढ़ानी शुरू कर दी। उसने कहा बच्चे अपना वैर भाव मुझे दे दो, और हमने हर शिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेल चढ़ाने शुरू कर दिए। तो इसलिए भाइयों बहनों, जो भी आप यज्ञ तप नौदा भक्ति के जो नौ नियम है उसके अनुसार जो हम करते हैं, उसके अनुसार करने के साथ साथ उसमें जो सूक्ष्मता थी अगर उसको जीवन में ले आए तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। आर्य समाज का ये जो यहाँ पर विशाल भवन में देख रही हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से लाने का कार्य ये सब करते हैं। सही बात है, सही बात है, तो जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। आप सबके लिए खुशखबरी है, यही कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 83 वर्षों से कर रहा है। लोग भूल गए कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमारा वास्तविक धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि देवताओं वाले गुण ना होने के कारण हम अपने को देवी देवता नहीं कहला पाते। लेकिन परमात्मा ये कार्य कर रहा है 140 देशों में, 9000 से भी ज़्यादा उसकी ऐसी ब्रांचेस खुली हुई हैं जहाँ ये काम किया जाता है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाहरी दिखावा भक्ति में हमने बहुत सीखा, परमात्मा को झूठ बोलकर रिझाने की कोशिश की, उसके सामने रोज़ गिड़गिड़ाए, मांगा, और यहाँ तक कि मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि हमने मंदिर को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है, पूरी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान जी के सामने और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, और जाते ही नॉन स्टॉप शुरू, कोई ये भी नहीं पूछता मंदिर में जाके कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप कैसे हो, कोई पूछता है? आप में से कौन कौन पूछता है मंदिर में जाकर उस भगवान से कि आप कैसे हो? एक और बाबूजी पूछते ही नहीं है, गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे मात पिता बंधु सखा सब कुछ हो। तो जो मेरा सब कुछ है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे पूछे कि आप कैसे हो, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा प्यारा सा रिश्ता है तो आप उससे बातें करो, रोज उससे जाके पूछो। लेकिन कमाल की बात है, भगवान जी भी सोचता है जैसे ही हम घुसते हैं, वो सोचते हैं आगे भिखारी, ऐसे ही होता है। आप पड़ोसी को सिर्फ काम के लिए याद करो तो जब भी आप उसका दरवाजा बजाओगे वो क्या कहेगा, जरूर इसको मेरे से कोई काम है। तो ऐसे ही मंदिरों को हमने आज मांगने की जगह बना रखा है, कई लोग वहां से कमाइयां कर रहे हैं और कई जाके नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, भगवान जी ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। जब तुम ये कर दोगे फिर क्या होगा,
जैसे दुकान पे 100 रुपए का सामान खरीदा तो 100 रुपए उसको दे आए, ऐसे भगवान जी को बोलते जब तुम ये कर दोगे तो तुम्हें इतने रुपए का भोग लगा देंगे। और अमाउंट भी उसी हिसाब से होता है जितनी बड़ी मांग होती है। मांग छोटी तो अमाउंट भी छोटा, मांग बड़ी तो अमाउंट भी बड़ा। प्यारे भाइयों बहनों, आप रसगुल्ला चढ़ाओ, सोने का छतर चढ़ाओ, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक ही डोरी में बांध सकते हो, वो है प्यार की डोरी। उससे प्यार करो, वो आपके पीछे पीछे हो लेगा बिल्कुल। उसको बाहरी आडंबर दिखावे से हम नहीं बांध सकते। हम व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, इतने चालाक हैं, हाथ में दिया जलाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और सोचते हैं मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी ना हुआ है और ना होगा। मैं पहले भी जहाँ क्लास थी तो दीदी दोहरा रही थी कि ये बात बोल रहे थे कि भगवान भोला है लेकिन अनाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो बड़े आराम से ईमानदारी से चलाता है कि जिसने जो किया है वो उसके हिसाब से उसको मिलने वाला है।